हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथमेटिक्स पार्ट टू, लेसन नंबर टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन विच कंटेन वन वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ वेरिएबल टू इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? इक्वेशंस में हमारा वन वेरिएबल रहेगा, मीन्स एक ही अल्फाबेट रहेगा, और डिग्री पावर हमारा टू रहेगा। ओके, जो भी इक्वेशन में डिग्री रहेगा, पावर रहेगा, वो टू होना चाहिए और वेरिएबल एक ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। दिस टाइप ऑफ द इक्वेशंस रहेंगे, वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टू है, पावर टू है, वेरिएबल एक्स एक्स, एक ही वेरिएबल भी यूज किया है। ओके, और ए बी सी मीन्स ये हमारे नंबर्स रहेंगे, वो भी कौन से नंबर्स रहेंगे? रियल नंबर्स रहेगा। एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ए के पास अगर जीरो आ गया तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बी के पास जीरो चलेगा, बट ए के पास जीरो नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, नाउ सी सम एग्जांपल्स। 4m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। एक वेरिएबल है m, पावर 2 है, इंडेक्स 2 है यहां पे, मीन्स ये क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन में पावर टू है, वेरिएबल भी एक ही यूज है एक्स, ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ थर्ड वन एग्जांपल में देखो स्टूडेंट्स, ए के पास जीरो आ गया, फर्स्ट टर्म हमारा जीरो रहता है ना, ए के पास जीरो आ गया। ओके, मीन्स ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा स्टूडेंट्स? नो। नाउ नेक्स्ट पावर टू है, ओके, बट वेरिएबल एक्स और वाई दो वेरिएबल है, बट क्वाड्रेटिक में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए। यहाँ पे दो वेरिएबल मीन्स दो अल्फाबेट यूज किया है एक्स और वाई, मीन्स ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नाउ नेक्स्ट सम एग्जांपल्स, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर वन है, प्रैक्टिस सेट 2.1। टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, दो इक्वेशंस बना दिए अभी हमने, इसके पहले एग्जांपल्स देखे थे। तो एक अल्फाबेट यूज करना है स्टूडेंट्स तुम्हें, और पावर टू देना है, और स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर टर्म रखना, देन बीच में एक्स रखना है, और लास्ट में विदाउट वेरिएबल वाला, मीन्स वो कॉन्स्टेंट टर्म सी वाला होगा। ओके, ऐसे दो एग्जाम्पल्स बना के लिखना है, एनी दो एग्जाम्पल्स बनाने, एक्स वाई एम एन कोई भी वेरिएबल, एक वेरिएबल यूज करके बना सकते हो स्टूडेंट्स। यही इक्वेशन लिखना है, नो नीड, हम अपना भी इक्वेशन खुद से लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देन राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर ईच इक्वेशन, मीन्स यहाँ पे जो भी इक्वेशन है वो इक्वेशन को हमें ये इक्वेशन की तरह अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद हमें ए बी सी का वैल्यू लिखना है। ओके, नाउ अभी ये इक्वेशन दिया है, इक्वेशन में राइट हैंड साइड में वाई स्क्वायर दिया है, सी कांस्टेंट टर्म दिया है 10, बट इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा। सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे, क्वेश्चन कॉपी करने के बाद हमें ये वाई स्क्वायर इधर लेके जाना है, ये माइनस है, इधर आके क्या होगा? प्लस। पहले हमें एक्स स्क्वायर वाला मिस वाई स्क्वायर का टर्म रखेंगे, उसके बाद वाई वाला, मिस वाई वाला कौन सा टर्म है? ये तो लेफ्ट में ही है, साइन नहीं है कुछ, मिस क्या है ये? प्लस, तो प्लस टू वाई लिखेंगे। उसके बाद हमें इस कांस्टेंट टर्म 10, ये राइट हैंड साइड में है, उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो क्या होगा? वो माइनस 10 होगा, इज इक्वल टू जीरो। अभी इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ये इक्वेशन, ये लिखना है हमें फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। कंपेयर करते समय वो लिखेंगे, और इक्वेशन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन में x है, बट अपना इधर इक्वेशन y में है, हमारा इक्वेशन y में है, तो हम इधर y करके लिखेंगे। नाउ ये इक्वेशन को इन दोनों को कंपेयर करो, ये इक्वेशन से इससे कंपेयर करेंगे, तो इधर a है, a का वैल्यू इधर कुछ नहीं है, मीन्स 1 आएगा। नाउ b का वैल्यू क्या है? इधर y के साथ आगे b है, b का वैल्यू क्या है? 2। c का वैल्यू क्या आएगा? 10, माइनस 10 लिखेंगे, ओनली 10, नो स्टूडेंट्स, माइनस साइन आएगा यहाँ पे, तो माइनस 10 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस होता तो इधर भी माइनस आता,
ओके एबीसी का वैल्यू लिखना है, इक्वेशन अरेंज एंड देन कंपेयर एबीसी का वैल्यू. दिस इज द स्टेप, अरेंजमेंट, कंपेयर और एबीसी वैल्यू. नाउ नेक्स्ट, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर टू एक्स प्लस थ्री. अभी इक्वेशन कॉपी करेंगे हमें हम. अभी इक्वेशन में पहले हमें क्या करना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर से इसको सॉल्व करेंगे. तो इसका सॉल्व किया है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, देन टू ए बी मतलब एक्स इंटू वन एक्स आएगा, एक्स को टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स आएगा, इधर माइनस है तो माइनस आएगा, देन बी मतलब वन का स्क्वायर करेंगे, वन इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री. राइट हैंड साइड में हमें जीरो चाहिए, मीन्स ये दोनों टर्म हमें लेफ्ट में लेके जाना है. बट लेफ्ट में लेके जाते समय हमें अरेंजमेंट करके लिखना है. पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिखेंगे, वो लिख दिया, देन एक्स का टर्म लिखा टू एक्स लिख दिया, बट एक्स का टर्म इधर भी है, ये टू एक्स ये इधर प्लस में है, नथिंग साइन मीन्स प्लस. लेफ्ट में जाएगा क्या हो जाएगा, वो माइनस टू एक्स. उसके बाद प्लस वन इधर का इधर ही लिखा है और ये प्लस थ्री है, ये राइट में है, इसको लेफ्ट में लेंगे तो क्या होगा, वो माइनस थ्री हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो. नाउ अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर, प्लस माइनस माइनस थ्री माइनस वन टू, बिगर नंबर साइन माइनस, ये हमारा इक्वेशन अरेंज हो गया. ओके ऐसे देखो एक्स स्क्वायर एक्स सी अरेंज हो गया हमारा इक्वेशन. अरेंज होने के बाद हम कंपेयर का स्टेटमेंट डालेंगे. कंपेयर का स्टेटमेंट डालने के बाद कंपेयर करेंगे, ए का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं मिस वन है, बी का वैल्यू माइनस फोर, सी का वैल्यू माइनस टू. देयरफोर ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस फोर, सी इज इक्वल टू माइनस टू. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू माइनस और ब्रैकेट में थ्री माइनस एक्स है. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले ये ब्रैकेट हटाना है. तो ब्रैकेट हम हटाएंगे, उसके आगे माइनस साइन दिया है, तो इन दोनों का साइन क्या होगा, चेंज होगा. एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स लिखा, इसका साइन थ्री का अंदर साइन प्लस है, साइन चेंज करके वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. ये माइनस एक्स है, इसका साइन चेंज करके क्या हो जाएगा, वो प्लस एक्स हो जाएगा. नाउ अभी ये दोनों टर्म हमें लेफ्ट में लेके जाना है, बट लेफ्ट में लेके जाते समय हमें पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिखना है, वो लिख दिया, देन एक्स का टर्म इधर जो लेफ्ट में है पहले वो लिखो, देन राइट में एक्स का टर्म क्या है, प्लस एक्स है, वो इधर आके क्या होगा, माइनस एक्स, वो शिफ्ट कर दिया. आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट की तरह टर्म है नहीं है, ये इधर है माइनस थ्री, वो वहां पे जाके क्या होगा, प्लस थ्री होगा. ओके नाउ एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, फाइव एक्स माइनस एक्स फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो. कंपेयर विथ इक्वेशन, ए का वैल्यू क्या आएगा, इधर कुछ नहीं है मिस वन, बी का वैल्यू फोर, सी का वैल्यू थ्री, तो एबीसी का वैल्यू लिख दिया. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, थ्री एम स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम स्क्वायर माइनस नाइन. ओके फर्स्ट सॉल्यूशंस, इक्वेशन कॉपी, इक्वेशन में ये टू एम स्क्वायर वहां पे आएगा, थ्री एम स्क्वायर इधर साइन नहीं है, इधर आके क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा, माइनस टू एम स्क्वायर माइनस नाइन है, इधर आके क्या होगा, वो प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो. राइट हैंड साइड में हमें कुछ भी नहीं रखना है स्टूडेंट्स. नाउ थ्री एम माइनस टू एम वन एम स्क्वायर, आफ्टर दैट प्लस नाइन, मिडल टर्म है, बीच का टर्म नहीं है. तो जब बीच का टर्म नहीं रहेगा तब जीरो करके हमें शो करना है स्टूडेंट्स, तभी हमें जाके ए का बी का वैल्यू मिलेगा. तो बीच का टर्म नहीं है तो जीरो एम लिखेंगे, इक्वेशन में एम है इसके लिए जीरो एम लिखा, साइन जीरो को प्लस डालना है और ये प्लस नाइन. तो ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू क्या मिलेगा स्टूडेंट हमें, जीरो, और सी का वैल्यू क्या मिलेगा, नाइन, वन जीरो नाइन. ओके एबीसी वैल्यू कंपेयरिंग विथ ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. नाउ नेक्स्ट, पी इन ब्रैकेट थ्री प्लस सिक्स पी इज इक्वल टू माइनस फाइव. अभी हमें ये पी बाहर है तो ये पी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. पी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, थ्री पी हो जाएगा. पी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिक्स पी स्क्वायर हो जाएगा. पी पी मीन्स पी स्क्वायर. ओके इज इक्वल टू माइनस फाइव. माइनस फाइव इधर है, अभी अपने को ये लेफ्ट में लेना पड़ेगा, तो ये लेफ्ट में जाके क्या होगा, प्लस फाइव. बट पहले थ्री पी स्क्वायर है तो नहीं, हमें पहले क्या लिखना है, स्क्वायर टर्म लिखना है, सिक्स पी स्क्वायर देन थ्री पी और ये माइनस फाइव, इधर आके प्लस फाइव. तो अरेंज हो गया इक्वेशन हमारा. कंपेयरिंग विथ इक्वेशन दिस, ए का वैल्यू सिक्स, बी का वैल्यू थ्री एंड सी का वैल्यू फाइव. ओके नाउ नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू थर्टीन.
माइनस, ये 13 है इधर प्लस है, इधर आके क्या होगा वो माइनस 13 होगा। पहले सॉल्यूशन इक्वेशन कॉपी, ये 13 इधर आके क्या होगा माइनस 13, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 9 माइनस 13 माइनस 22 इज इक्वल टू 0। नाउ अभी यहाँ पे बीच का टर्म नहीं है हमारे पास, तो बीच का टर्म हम जीरो करके लिखने वाले, जीरो को साइन क्या डालेंगे प्लस, जीरो एक्स वेरिएबल यूज किया है तो एक्स आएगा, तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, बीच का टर्म जीरो करके हमने लिख दिया, ये माइनस 22 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया। नाउ कंपेयर करेंगे, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0 एंड सी का वैल्यू माइनस 22, ओनली 22 नो स्टूडेंट, माइनस 22, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है माइनस आएगा, समटाइम्स अगर इधर भी माइनस रहेगा तो हम माइनस में लिखेंगे। नाउ होमवर्क क्वेश्चंस, ओके, जो भी सम्स हमने अभी किए वो हर एक सम्स थोड़े अलग अलग ट्रिक टाइप ऑफ अलग अलग सम्स थे, बट ये होमवर्क क्वेश्चन सब इजी इजी दिया, जो भी थोड़ा अलग अलग सम्स थे वो सब सम्स हमने कर लिया स्टूडेंट्स। ये सम्स में सिर्फ हमें अरेंज करना है, कुछ ब्रैकेट्स नहीं है, डायरेक्ट जो भी हमें राइट हैंड साइड में है उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है, अरेंज करना है, कंपेयर करना है, एबीसी का वैल्यू लिखना है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 आएगा, बी का वैल्यू माइनस 15 आएगा, सी का वैल्यू इधर आके ये माइनस 54 हो जाएगा। अगेन ये सब में ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 7 और सी का वैल्यू माइनस 1 लेंगे। अगेन यहाँ पे ए का वैल्यू 2 आएगा, बी का वैल्यू ये इधर आके माइनस होगा तो माइनस 5 आ जाएगा, सी इधर जाके माइनस होने वाला है, सी का टर्म क्या हो जाएगा माइनस 10। ओके, थैंक यू।